वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा आदाब आप सब यकीनन खुश और हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे स्पेंड कर रहे होंगे और यकीन अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे आप अभी टेबल में स्क्रीन में आप देख रहे हैं सिर्फ दो चीज़ें रखिए इसकी एक ख़ास वजह है वो ख़ास वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा आप भी बनाती होंगी अक्सर फैमिलीस में लोग डोनट बनाते हैं अब मैं जिस तरीके से आप लोगों को डोनट बनाना सिखा रही हूँ सिर्फ तीन चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको डोनट्स बनाना सिखाऊंगी आप इसको डोनट्स बॉल्स कह दें या आपके मैदे की गोलियाँ कह दें जो आपको अच्छा लगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं तीन चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपको डोनट बॉल्स की तरह डोनट बनाना सिखाऊँगी तो चले स्टार्ट करते हैं मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है इसमें हम अपने तमाम चीज़ें एक साथ डालेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है मैंने मैदा लिया है ये तकरीबन वन एंड हाफ कप है मैदा है वन एंड हाफ कप हम अपने बाउल में वन एंड हाफ कप मैदा डालेंगे इसके बाद इसके बाद हम इस पर तकरीबन वन एंड हाफ टी स्पून वन एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे तो चलें मैं आपको बताती हूँ ये जो मेरी स्पून ली है ये हाफ़ टी स्पून है तो मैं इस पर तीन दफ़ा डालूंगी यानी कि वन एंड हाफ़ टोटल एक और आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा तो ये आधा आप भी को लेवल करके लेंगे ये वन टीस्पून हुआ इसके बाद और आधा यानी वन एंड हाफ टी स्पून एक और आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा अब पहले ये दो चीज़ें खुश्क है और इसमें इसके अलावा नमक वैसे तो हम लोग डोनट्स में अक्सर नमक का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन मैं द्र... लेकिन मैं इसमें नमक के का इस्तेमाल अक्सर करती हूँ बल्कि हमेशा करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं वन फोथ आप देखें वन फोर्थ टी है वन फोर्थ ही चुटकी कहते आप इसमें नमक डालेंगी पहले ये तीनों चीज़ें ड्राई है तो पहले हम ये तीनों खुश्क चीज़ों का हम लोग आपस में मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करें आप चले मैंने अपने तीनों चीज़ों चीज़ें यानी कि मैदा नमक और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया अब मैं इसमें एक ही चीज़ का कर इस्तेमाल करूँगी एक ही चीज़ डालूँगी और वह है दही तो चलें आप देखें ये तकरीबन मैं आपको पाव के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से नहीं बता रही ये एलेवन टेबल स्पून एलेवन टेबल स्पून मैंने इसमें यानी कि ग्यारह खाने के चम्मच ग्यारह खाने के चम्मच दही लिया हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसको इतना करना है कि एक थिक सा यानी कि लई तो नहीं कहना चाहिए एक थिक से और ये फॉर्म फॉर्म में आ जाए तो फिर वहाँ जाकर हम लोग इसको डन कर देंगे तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी इसको मिक्स करूँगी तो चलो हम इसको डालते हैं थोड़ा थोड़ा पहले मैं आज को आधा डाल देती हूँ उसमें तकरीबन सेवन टेबल स्पून के बराबर में इसमें योग डाल दिए दही डाल दिए अब इसको थोड़ा मिक्स करती हूँ मैंने तकरीबन ग्यारह खाने के चम्मच ग्यारह खाने के चम्मच दही लिया अगर आप इसका दूध कब इस्तेमाल कर सकते अगर दही मौजूद नहीं है तो आप दूध डालें लेकिन अगर आप दूध डालेंगी तो तकरीबन तकरीबन वन एंड हाफ़ कप मैदे में वन कप के करीब इस पर दूध जाएगा तो चलें हम तो इसको थोड़ा मिक्स करते हैं चलो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से तकरीबन आधा मिनट कह दे एक मिनट मैंने इसको मिक्स किया इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ये लई की तरह ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगा ये देखें आप इसको चम्मच में उठाएं तो ये गिरेगा गिरने में टाइम लगाएगा ये देखिए गिरने में टाइम लगाएगा, लगाएगा। यानी इसको आपने भारी बस आपने इसको मिक्स कर करना है मैंने तकरीबन वन एंड हाफ़ कप मैदा लिया है वन एंड हाफ कप डेढ़ डेढ़ कप मैदा लिया है इसमें तकरीबन तकरीबन एलेवन टेबल स्पून ग्यारह खाने के चम्मच दही डाला है इसके बाद बेकिंग पाउडर डाला है वन एंड हाफ़ टी स्पून एक और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अलावा नमक डाला है वन फोरथ टी स्पून सॉरी वन फोर्थ टी स्पून सही वन फोरथ टी स्पून आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं मैंने डाला मैं मुझे ऐसा फील होता है कि मीठी चीज़ों में नमक का इस्तेमाल यानी डोनट्स किस्म की चीज़ों में ये इसके टेस्ट को थोड़ा सा दो चांद लगा देता है मुझे ऐसा फील सा होता है तो इस वजह से मैं इसको हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ नमक का अगर आप चाहें तो ना डालें लाजिम भी नहीं है ये देखिए आप इनकी इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकती है यानी कि फ़ौरन लई की तरह नहीं गिरेगा ये एक डो की तरह बन गई जब हम आटा गूनते हैं ना तो इसकी तरह बन गए अच्छा अगर आप चाहें तो इसको पाँच से दस मिनट आप इसको रेस्ट दे सकते हैं पाँच से दस मिनट ना भी देना चाहें आप डायरेक्ट भी इसको फ्राई कर सकते हैं तभी मैं इसको सिर्फ दस मिनट रखूँगी इस वजह से कि मैं इसको जिस शीरे में डिप करूँगी या इसका जो ग्लेस बनाऊँगी मैं आपको पहले वो दिखा देती पहले इसके शीरा बनाती गलेस मैं आपको बाद में बताऊँगी फ्राई करने के बाद तो चले सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करते हैं चले आप देख सकते हैं मैंने एक पेन लिया है अब मैं इस पर तकरीबन या आप चेक करें वन फोर्थ वन फोर्थ कप चीनी है मैं चीनी डालूँगी वन फोर्थ कप चीनी में मैंने हाफ कप वन फोर्थ कप चीनी लिया इसमें हाफ कप में पानी डालूंगी इसके अलावा मैं इसमें ज़रा सा जाफ़रान का इस्तेमाल करूंगी आप देख सकती ज़रा सा जाफरान डालें इसके अलावा आप चुटकी समझ लें चुटकी आप इसमें इलायची का पाउडर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अलावा साबित इलायची चाय वो भी इसमें आप डाल सकते हैं आप ये देखिए वन फोर्थ टीस्पून है लेकिन मैंने वन फोर्थ टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ यानी चुटकी की तरह आप इसको डाल दें बस खुशबू के लिए अब इसको थोड़ा उबलने भी आ, आ, आने दें अभी हल्का सा बॉयल हो गए इसको ए, एक तार का शीरा या दो तार का शीरा इसको मायने नहीं रखता यानी डिपेंड नहीं करता बस चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी और शीरा रेडी हो जाएगा यानी इसमें एक तार का या दो तार का आपको शीरा तैयार नहीं करना बस मैंने वन फोर्थ कप वन फोर्थ कप चीनी डाली है शुगर चीनी लिए शक्कर लिए और इसी में वन कप मैंने पानी डाला है और चुटकी मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला आप चाहे तो दो तीन दाने साबित इलायची भी डाल सकते हैं हरी वाली इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी किया बस ये एक उबाल आएगा चीनी अच्छी तरीके से हल हो जाएगी मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी चलो आप सब देख सकते हैं ये देखिए चीनी मेरे इसमें पानी के साथ मिक्स होकर हल हो के गई है बस इसमें एक उबाल आया ये इतनी इतना बॉयलिंग पैन है इसको चूल्हे को बंद कर दें बस इसको एक तार का या दो तार का शीरा बनाने की जरूरत नहीं है बस आपने जो मैं डोनट बनाऊँगी डोनट्स बनाऊँगी इसको इस सिर्फ डीप करके निकालना है ये देखें मैंने जो चीनी डाली थी मैं फिर बता दूँ मैंने वन फोर्थ कप चीनी लिया था शक्कर शुगर लिया था इसके अलावा वह हाफ कप पानी डाला थोड़ा सा इसमें मैंने आप देख सकते हैं ज़ाफरान डाला है और चुटकी तकरीबन इसमें इलायची का पाउडर डाला है आप चाहे तो दो से तीन दाने तीन से चार दाने साबित इलायची भी डाल सकते हैं तो चलें मैं मैदे का जो मिक्सचर बना के रखा इसको हम फ्राई करते हैं चलें आप देख सकते हैं मैंने एक पैन में तेल पहले से डाल दिया है और इसको मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है मीडियम फ्लेम में अब आपने मेरा पहले मैदे का मिक्सचर देख लिया था देखिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन गई है तब हम इसको डीप फ्राई करेंगे ठीक है अब मैं इसको तेल में डालती रहूँगी और इसको मैं डीप फ्राई करती रहूँगी तो चलो हम अब इसको डीप फ्राई करते हैं चलो हम बिस्मिल्ला करते हैं तो ये मैं दो चम्मच की मदद मदरस इसलिए लिया तो तरह, है तो कि थोड़ा या हाथों में स्टिकी की तरह स्टिकी हो रहा है चिपक रहा है तो इसलिए मैंने दो चम्मच का इस्तेमाल किया है बिस्मिल्ला आप इस तरह वन बाय वन करके तमाम अपने डोनट्स डालें ये डोनट्स की तरह बस घर में जैसे कभी कभी बच्चे अचानक तंग करते हैं ना आप जल्दी जल्दी इनको बना के दे सकती हैं तो इसलिए मैंने दो दो चम्मच का इस्तेमाल किया कि इसको बनने में मैं हाथों के दो चम्मच की मदद मतलब से डाल रही हूँ अगर आपके घर में पाइपिंग बैग है तो आप उसमें भी डाल के कर सकते सही होगा आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट गोल में गुलाई में आएगी लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही जिनके पास ये आपको पता अक्सर घरों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो इसलिए मैं चाहती सिर्फ वो चीज़ें बताऊँ जो बनाने में वो घर में अवेलेबल आराम से मिल जाए तो चलें मैं एक एक करके बाकी अपनी तमाम चीज़ें डालती हूँ चलें मैंने अपने कुछ डोनर्स डाल दिए डोनर्स बोल आप उसको कह दे डाल दिए अच्छा इसको हल्का से ज़्यादा तेज़ आंच पे मत बनाइएगा मीडियम फ्लेम में बनाइएगा और ये देखे पहले आपने देखा होगा जब मैं डाला तो नीचे था ये जब जैसे जैसे हल्का हल्का तेल गर्म होता रहेगा अच्छा इसको एक मिनट का गर्म कीजिएगा तेल को यानी कि प्री हीट कीजिएगा यानी कि एक मिनट के ज़्यादा नहीं और बिल्कुल इसको हल्के आँचों इस तरह देखे साइडों में बुलबुल उठ बु रहे हैं ना आप देख रहे होंगे देखिए बगल साइडों में इतने ही तेल गर्म होना चाहिए तो वो आहिस्ते आते पहले नीचे ये नीचे तेल में बैठेगा इसके बाद ये फ्लोटो के ऊपर आएगा ये देखिए आपके पास अगर पाइपिंग बैग होगा आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं मैंने सिर्फ देसी तरीके से या देसी टच देकर इसके लिए बनाती हूँ कि जिन घरों में चीज़ें अवेलेबल नहीं वो भी बना पाए बना पाए और जिनके पास है तो वो तो आपको पता है वैसे भी वेल एंड गुड चीज़ें आपके पास है तो आप बनाएं और नहीं है तो आप देसी तरीके से यानी कि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो तो बनाएं अब देखें मैं इसको फ्राई करी ये जब ब्राउन हो जाएंगे अगर आप इसको डार्क ब्राउन जितना ब्राउन आप चाहते हैं वैसे इतना आप दे दे सकते हैं अब मुझे लाइट ब्राउन चाहिए तो फिर मैं गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं निकालूँगी अब आप देख सकते हैं अच्छा आप इसको इतने पॉइंट पे ज़्यादा तेज़ आंच में या ज़्यादा हल्की आंच में इसको मत पकाइएगा आप देख सकते हैं साइडों से बुलबुल उठ रहे हैं इसी पॉइंट में आप समझिएगा आपका तेल सही बॉइलिंग पॉइंट पर है और आपकी ये डोल बॉल जो ही सही पकेंगे चलो आप देख सकते हैं ये अभी ब्राउन होने की तरफ गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और मैं आपको इसके ग्लेस भी अभी बनाना सिखाऊंगी अभी मैंने आपको सिर्फ शीरा बनाना सिखाया मैं फिर बता रही हूँ शीरा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक तार का या दो तार का शीरा तैयार करें बस मेरी जो क्वांटिटी आपको पानी की और शक्कर की बताई है शुगर की बताइए आप उसी हिसाब से बस चीनी आपकी डिज़ोल्व हो जाए हल हो जाए पानी में तो आप उसको चूल्हा बंद कर दें और एक बॉयल आ जाए तो आप इसको चूल्हा बंद कर दें चलो आप देख सकते हैं मेरे गोल्डन ब्राउन की तरफ होने जा रहे हैं डोनट्स मैं आपको फिर बता दूँ आप अगर आपके पास आप अगर इसको पाँच दस मिनट रेस्ट देना चाहिए देना चाहिए जो मैं मैदा का मिक्सचर बनाया था तो आप दे सकते अदरवाइज़ आप इसको फ़ौर फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप के देखें कभी अचानक आपको पता है बच्चे थोड़ा तंग करते हैं तो आप फ़ौरन इनको ये डोनर्स की तरह आप यकीन मानिए ये देखने में आपको बहुत सादी लग रही होगी यानी बनाने का तरीका आपको बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन आप यकीन माने जब इसको बनाएंगी और आप इसको खाएँगे आप यकीन बच्चों के भी फेवरेट होगा बड़ों के भी इन ज़रूर होगा ये देखने बहुत ईज़ी है बनाने है बहुत ईज़ी है मिनटों का मिनटों का आप समझ रहे सेकेंडों का काम है लेकिन ये टेस्टी बहुत है आप बनाएगी इन शाला आप मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रह पाएंगे चलो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ चलिए देखिए मैंने अपने तमाम डोनट्स बोल जो मैंने आपको दिखाए थे मैंने फ्राई कर लिए आप देख सकते हैं आप लोग पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं इसके अलावा देखिए मैं दो चम्मच की मदद से किए इसके बावजूद ये कितने गोल हैं आप खुद देख सकते हैं कितने गोल शेप बनी है इसकी ये देखें सब गोल है ये देखिए ये सब गोल बने तो आप पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं इसके अलावा चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे ये मकसद सिर्फ बॉल्स बनाने अगर आपसे घर में ईजिली बन सकता है तो चलें मैंने आपको इस, आपको शीरा जो बनाना सिखाया था ये मैंने शीरा भी रेडी कर कर दिया है बाउल में रख दिए निकाल लिया इसके अलावा मैं आपको उसके लिए डोनट्स के लिए ग्लेस बनाना सिखाती हूँ चले डोनट्स के लिए जो मैं ग्लेस बना रही हूँ इसमें मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी इसमें आइसिंग शुगर जाएगा इसका मेल्टेड बटर है इसके अलावा वनीला एसेंस है और मिल्क है इसकी क्वांटिटी में आपको पता है आइसिंग शुगर तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है इसके अलावा टू टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल लूँगी ये ज़्यादा है लेकिन मैं टू टेबल स्पून डालूँगी और इसके अलावा वनीला एसेंस है ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं दूध है टू टू थ्री टेबल इस्पून मैं आपको फिर बता दूं मेरे असल में डोनट्स बॉल्स जो है कम है आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो चलिए मैं बताऊं आपको करना क्या है चले मैंने हाफ कप के करीब आइसिंग शुगर लिया है अब मैं इस पर तकरीबन ये टू टेबल स्पून मिल्क है टू टेबल स्पून में इसमें मिल्क डालूँगी हाफ टी स्पून के करीब हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस है इसके अलावा ये बटर जो है मक्खन मैंने ज़्यादा लिया लेकिन मैं सिर्फ टू टेबल स्पून डालूंगी बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं और भी ऐड कर लूँगी अभी वन टेबल स्पून बना के मैं देखती हूँ इसकी यानी कंसिस्टेंसी चेक करती हूँ अगर फिर मुझे ज़रूरत पड़े मैं और बटर इसमें डालूँगी चल अब हम इसे मिक्स करते हैं अगर मुझे बटर की ज़रूरत पड़ी ग्लेस का मतलब होता है आपको एक लई की तरह रेडी करना है इन तीन चार चीज़ों को मिला के और इसमें आपकी जो तैयार किए हुए डोनर से आप इसमें डिप करेंगी अगर आप ज़्यादा भारी चाहते हैं तो आप ज़्यादा भारी भी कर सकते या आपके अपने ऊपर है मुझे असल में ज़्यादा ये आप ये समझ ली शीरा ही बन जाएगा लेकिन मुझे ये शीरा ज़्यादा भारी अच्छा नहीं लगता क्यों मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा भारी यानी पेस्ट जैसा डोनट्स के ऊपर आए तो इसलिए मैं इसको हल्का सा लई जैसा रखूँगी ये देखें मैंने हाफ़ कप आइसिंग शुगर हाफ लिए हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस लिया है इसके अलावा टू टेबल स्पून मैंने मिल्क डाली है इसमें और वन टेबल स्पून मक्खन मेल्टेड बटर समझ लिया ये डाला है ये देखिए मेरे ख्याल में इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ देखिए मुझे ज़्यादा इससे ज़्यादा भारी यानी नहीं चाहिए अगर आप इससे ज़्यादा भारी चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा में डोनट्स को जाकर कवर करेगा तो मैं आपको इसको दो तरीके से बताती हूँ आप इसको डोनट्स के ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं इसके अलावा इस पर डिप भी कर सकते हैं यानी कि आप इसको डोनर से इसके ऊपर आप छिड़काव कर दें छिड़क दें या डाल दें और अगर आप चाहें तो इसको इसमें डिप कर दें तो मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ चलिए आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको जो आइसिंग शुगर और बटर का वो बनाना सिखाया है ग्स इस पर मैंने वन टेबल स्पून और आइसिंग शुगर डाला है और इसके बाद इसको विस की मदद से तकरीबन एक मिनट इसको हिलाया है ताकि इसमें अगर कोई लम्स वगैरह रह जाए कोई इसके चंक से रह जाए तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब आप इसकी शक्ल देख सकती हैं इसकी शक्ल कुछ यूं निकल के आएगी ये देखिए अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ ये देखें आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे एक कंडेंस मिल के ये देखा आपको ऐसे फील होगा जैसे कंडेंस मिल के ये देखें मैंने आपको हाफ कप बताया था लेकिन मुझे इसकी क्वांटिटी फिर यानी ग्लेस सही नहीं लगा तो मैंने इसको और मैं आपको फिर बता रही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ तो मैं इसमें वन टेबल स्पून और आइसिंग शुगर डाला इसको विस्क की मदद मतलब से विस्क किया तो आप इसकी देख ले शक्ल देख ले कंसिस्टेंसी देख ले देखें आपको ऐसे ऐसे फ़ील होगा जैसे कंडेंस मिल के ये देखें ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ अब मैं आपको ये कह रही थी अब हमने ये बना दिया अब आप इसमें अगर आप डालना चाहें तो तमाम ये डोनर्स आप इसमें मिला दें ऐसे डाल दें ऐसे डाल के इसको ऊपर नीचे कर दें ये देखिए मैं आपको चम्मच की मदद मतलब से दिखाती हूँ और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप इसी तरह डोनर्स प्लेट में रख के ऊपर से इस तरह इसको ड्रेजल्ट भी कर सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ दो दाना डाल के दिखा रही हूँ कि हमारे घर में ज़्यादा क्योंकि आपको पता ही ये इसमें मीठा है इसमें आइसिंग शुगर की वजह मैंने ऊपर से कोई और मीठी चीज़ नहीं डाली सिर्फ आइसिंग शुगर है मक्खन है इसके अलावा दूध है और वनीला ऐसा सत्य ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा ये बच्चों के लिए बेस्ट है आप देख सकते हैं मैंने डाला डाल के इसको ऊपर नीचे करके आप किसी छन्नी में भी डाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा इसमें जो ये है लई की तरह आपने बनाया है या ब्रेड ये कह ग्लेज बनाया है वो एक्सेस जो है वो निकल जाए इस पॉइंट में जाकर मैं इसको दोनों को एक छोटे से बाल में निकाल लेती हूँ ये देखें ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये जम जाएगी ये देखिए इसकी शक्ल कुछ यूँ आएगी चले अब मैं इसके बाद आप क्या कर सकते हैं अगर आप इस वाले मिक्सचर से यानी कि इस वाले ग्लेज में से अपने डोनट्स निकाल लें इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे वन टेबल स्पून कोका पाउडर है कोका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या मेल्टेड चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखिए इसको इस तरह मिक्स करेंगी देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया आपने देखा होगा मैं पहले ग्लेस बनाया है ऐसी शुगर से बटर से दूध से और इसके अलावा वनीला एसेंस से अब आप क्या करेंगे ये देखिए इसमें मीठा ज्यादा नहीं होता इस... आप इसके जगह में यानी कि इसमें मैंने कोको पाउडर डाला आप इसके जगह में कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं न्यूटेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके चॉइस के ऊपर या आपके फ्लेवर के और टेस्ट के ऊपर है ये देखें अब इसमें मैं दो तीन डालूंगी ये देखें एक नीचे गिर गए वैसा में चॉकलेट में जाना नहीं चाह रहा था तब यूँ करके आप इसको मिक्स कर दें ये देखें ऊपर नीचे कर दें इसमें मीठा ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आइसिंग शुगर का इस्तेमाल होगा कोई ऊपर से एक्स्ट्रा चीन शुगर शकर कोई चीज़ एक्स्ट्रा कोई यानी चॉकलेट नहीं डाला क्योंकि कोकोआ पाउडर है इसमें आपको पता है मिठास नहीं होती है ये देखें इस तरह का आप इसको निकाल दें मैं आपको फिर बता रही हूँ आप किसी ऐसे छन्नी की मदद से किसी छन्नी में आप इसमें रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो आप कैसे कैदे के, के ग्लेज है या लई है जो आप कहना चाहे ये एक्स्ट्रा ग्लेज इसे निकल जाएगी तो इसको भी मैं ये देखें ये मेरे पहले दो निकाले थे इसी में मैं इसको रख रख दूँगी ये देखें आप लेकिन समझ गए समझ गए होंगे यानी कि अगर आप चाहें तो आप ग्लेज में डिप करके भी रख सकते बच्चों के लिए और इसके अलावा चाहें तो उसको ऊपर से ड्रिजल भी कर सकते हैं मैं आपको ड्रिजल करना भी दिखाती हूँ चले ठीक है मैं आपको अब आपको बताते हैं आगे क्या करना है चलो आप देखें मैं अभी इसको कंप्लीट डिश आउट नहीं किया अब मैंने पहले आपने देखा था मैंने ग्लेस बनाया था मक्खन वाला आइसिंग शुगर वाला और ये इसके अलावा बटर वाला और मैं दूध वाला इसको मैंने ये दो डिप किया था इस पर हल्का चॉकलेट लग गया और दूसरे में मैंने कोको पाउडर लगाया था इसको मैंने डिप किया था ये चार कोको पाउडर वाले इसको मैंने मैं बताती दिया आपने क्या करना है और अब मैंने मैं क्या करूँगी देखिए मैंने शीरा बनाया था आपको सबसे पहले शीरा बताया था ये देखिए मैं एक तार दो तार नहीं बनाया चलो अब क्या करें आप ये देखें मैं इसको शीरे में हूँ आप इस तरह देखिए जितना मर्जी आप डालें शीरे में डाल के इस तरह हिलाएं ये देखिए ज़्यादा ये थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा क्योंकि इसमें चीनी है अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ यानी कि इस तरह जैसे जैसे मैंने डोनट्स बनाए थे ऐसे डोनट्स बना ले ऐसे डोनट्स बना के फिर आप इसको इसके ऊपर ड्रीजल कर दे ड्रिजल कर दे या फिर आप इसके ऊपर यानी इसका इस तरह डीप कर दे। देख ली इसको डीप के मैं सब निकाल के इसमें अपने प्लेटर में डालती हूँ चलो अब आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले दिखाया था ये जो मैंने बनाया ये शीरा वाला था मैं आपको फिर बता रही हूँ अगर आप चाहें तो शीरे में आप डिप ना करें डोनट्स बॉल बना के ऊपर से आप इसको डाल दें या आप ड्रिजल कर दें जैसे आपकी मर्जी ये शीरे वाला है इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने जो ग्लेस तैयार किया था वो कोको पाउडर वाला ये है इसको मैं सादा क्यों रखा मैं आपको बताती हूँ और दूसरा ये बिल्कुल सादा है और ये मैं बताती हूँ आपको क्या करना है ये देखें पहले आप अगर चाहे तो ऐसे ग्लेस तैयार कर ले इसके बाद मैंने इसमें कोको पाउडर कोको पाउडर डाला आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह गिलेस तैयार करके यानी कि इस तरह गलेस तैयार करके इसमें कोई भी यानी कोको पाउडर मत डालें अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें मिला दें या न्यूटेला भी आप इस पर डाल सकते हैं लेकिन न्यूटेला डालने से पहले या कोई चॉकलेट डालने से पहले आप इस तरह गलेस तैयार कीजिएगा अच्छा मैं बता दूँ ये आपने देखा ये सादा है इसको मैंने दो दाने डिप किए थे डिप किए थे इसमें आप इसको मैं फिर बता दिखा दूँ आपको देखें आप इस तरह डिप भी कर सकती हैं डिप करने के बाद किसी छन्नी की मदद में, मदद लेते हुए आप छन्नी में अगर इसको रखेंगे तो एक्सेस शीरा कह दें या ग्लेस कह दें या लई कह दें वो रिमूव हो जाएगा इस तरह आप रख सकती हैं ये देखिए इस तरह आप रख सकती है अदरवाइज़ आप क्या कर सकती हैं इस कलर ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह या आप चम्मच की मदद से ले इसको ऊपर इस तरह छिड़काव कर दें ये देखें अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये देखें ताकि ज़्यादा मीठा आपको फील ना हो और दूसरा आप फिर मैं बता रही हूँ आप इसको डिप भी कर सकती हैं इसके अलावा ये देखें जो मैंने कोको पाउडर डाला था इसमें आप क्या कर सकती हैं मैंने आपको तीन चार दाने देखे तीन चार दाने डिप करके भी दिखाया है। इसके अलावा आप इसके ऊपर इससे ड्रिजल भी कर सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे या तो आप डिप कर दें या ड्रीज़ल कर दें इससे ये होगा कि कभी कभी कोई ज़्यादा मीठा पसंद ना करे तो सादा भी खा सकते हैं ये देखें इस तरह चला आप मेरी बात समझ गए होंगी ये मेरे कोको पाउडर डाला इसके जगह में आप न्यूटेला भी डाल सकते हैं आ, या इसके अलावा कोई भी अपने पसंद का चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं इसके अलावा शीरा वाला है और ये आपको जो मेरे सादा ग्लेस दिखाया था वा मक्खन वाला दूध वाला और वनीला एसेंस वाला है अच्छा इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने चॉकलेट मेल, यानी मिल्टड चॉकलेट नहीं डालना यह न्यूट्रेला नहीं डालना ये जो सिरप आता है चॉकलेट सिर्प आप वो भी ड्रिजल कर सकते हैं या उसके अंदर आप इसको डिप कर सकते हैं और ये आप देखिए पिसा हुआ बादाम है अगर आप चाहें तो ये देखें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ये आप डाल दें ऊपर ये डाल दें ये देखें ये शीरा वाला है और ये जो मैंने सादा गलेस तैयार किया था मखन वाला आइसिंग शुगर वाला वनीला एसास और मिल्क वाला ये देखें इस तरह आप भी डाल दें ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें बना के दें बच्चों को इसके लिए भी ये मेरे पिस्ते को घर में ग्राइंड किया है ये देखिए पिस्ता पिस्ता डाल दें आप ये जैसा कर करके पिस्ता डाल दे ये देखिए एक मैं चॉकलेट वाले में थोड़ा सा डाल देती देखे आप इस पर भी थोड़ा सा डाल सकती हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ये देखिए बना सकती हैं चले देखें मेरे डोनट्स बॉल बॉल्स बन के रेडी हो गए आप इसको मैदे की गोलियाँ भी कह सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग बे, नहीं है तो आप हाथों की मदद से आप खुद देख सकते हैं कितने गोल गोल बने ये देखिए दो चम्मच की मदद से जैसे मैंने आपको सिखाया है आप इस इस तरीके से बना बना सकेंगे तो आप खुद देखें कि ये माशाला ये वैसे तो डोनट्स दूसरे डोनट्स में आपको फिर कभी बनाना सिखाऊंगी लेकिन बहुत जल्दी बनेंगे आप यकीन जाने मेरी बात माने बहुत जल्दी बनेंगे और खाने में जितनी जल्दी बनेंगे उससे तीन गुना ज़्यादा टेस्टी हैं और यकीन माने इतने टेस्टी है ना कि आप छोटों को पसंद आएगा बड़ों को भी मैं फिर बता रही हूँ शीरा में डिप ना करें या गलेस में डिप ना करें ऊपर से सिर्फ ड्रीजल कर दें और या इसको फैला दें या इसमें इसको डाल दें जैसे आपको अच्छा लगे अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बाद आपने करना क्या है चले आप देख सकते हैं मेरे आज के डोनर्स बॉल्स बंद कर रेडी हो गए आप इस तरीके से बनाए गए इन शाल्ला आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा मैं एक बार फिर कह रही हूँ ये देखने में और बनने में बहुत ईजी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है अगर आज आपकी आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ मुझे हाँ, आप सब की प्यार और मोहब्बत की हमेशा जरूरत रहेगी एक दूसरे का ख्याल रखिए आखिर में एक छोटी सी बात माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो खोखले इंसान से बदले की आग में जलते रहते हैं अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफिज़